देश में है तो हमारे राज्य देश का ही राज्य का हिस्सा है। पड़ोसी राज्य मैंने हम उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश ने बंगाल ने वही होगा, थोड़ी है पूरे राज्य का बात। हमने कहा ना हम सारी बात रख दिए कि ड्रॉप आउट बच्चों क्या कारण क्यों होता है, इसका भी समीक्षा कीजिए। हम क्लास एट तक जाते हैं, क्लास एट के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कारण क्या है? यदि हम कारण नहीं जानेंगे तो उस पर समाधान नहीं हो पाएगा। कारण जानना चाहिए, किस कारण के तहत हमारे बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। सारा व्यवस्था के साथ हम हैं, तैयार हैं, रहते भी हैं। हम तो आप लोग से भी निवेदन करेंगे, आप लोग भी पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, कहीं स्कूल में घुस जाइए और शिक्षक लोग भी चमक जाएगा कि नहीं, प्रेस के लोग भी आते हैं स्कूल, हम अपसेट करेंगे, कुछ होगा तो पेपर में छप जाएगा। हम आप लोग से निवेदन करेंगे कि आप लोग भी कहें कि स्कूल घुस जाइए और थोड़ा दो लाइन पढ़ा दीजिए। अब यदि बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा तो शिक्षकों को पढ़ा दीजिए कि समय पर आइए और समय पर क्लास लीजिए। ये हम आप लोग से कहना चाहेंगे, निवेदन पूर्वक कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक समाज का पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, समाज का बहुत बड़ा पार्ट है। सामाजिक कार्यकर्ता के भी दायित्व बनता है कि हम क्षेत्र को विकसित कैसे करें, विकास कैसे करें। हमको जो समझ में आ रहा है, राज्य यदि विकास करना है, विकसित करना है, तो शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाएगा। यदि शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाता है तो खुद अपने विकसित हो जाएगा, राज्य अपने विकसित हो जाएगा। लेकिन आपका बड़ा योगदान होगा, आप लोगों का, प्रेस के लोगों को बड़ा योगदान होगा। हम कहीं भी जाते हैं, प्रेस मीडिया को कुछ तो दे नहीं पाते हैं, लेकिन जुबान पर सम्मान करते हैं। सम्मान करना बहुत बड़ी बात है। यदि आपको आप गोवा गए थे, वहाँ भी आपने कितनी योगदान किया था, और दिल्ली में भी जो स्कूल की हालत की तारीफ हो रही है। देखिए, हम गोवा जहाँ भी जाते हैं, क्षेत्र में भी रहते हैं, स्कूल घुसते हैं, हम गोवा का जो स्कूल है, हमारे यहाँ भी एक वीडियो दिखाएं, जहाँ अच्छा था वहाँ के अधिकारी वो ले गए। हम रूरल क्षेत्र में जाना चाहते थे, वहाँ लेने गए, लेकिन स्कूल ठीक था, झूठा बात बोलने की ज़रूरत नहीं, अच्छा स्कूल था। लेकिन वहाँ भी एक बच्चा से हम पूछे कि राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो बोल दिया नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नाम बोल दिए वहाँ गोवा में भी। तो शिक्षक लोग बोले कि आपको देख के बच्चे लोग डर गया है, लेकिन वहाँ शिक्षक और शिक्षिका का पूरा व्यवस्था है। वहाँ एक चीज़ देखे हम कि यदि कोई रिटायर कर रहा है तो स्कूल का ही पावर है, हेडमास्टर का, कि तुरंत गांव का अगल बगल के कोई पढ़े लिखे नौजवान है, उसको डेली बेसिस पर तुरंत ले लीजिए, क्लास बाधित नहीं हो। सरकारी प्रक्रिया में जब आएगा उसमें देखा जाएगा, लेकिन डेली बेसिस पर ये हमको अच्छा लगा कि क्लास बाधित नहीं होता है। इस पर भी हम दो दिन पहले गए थे, हम अधिकारियों को, हम आप यदि कहीं कोई जगह का नाम लीजिए, हम आपके साथ 90 लड़कों के 1 किलो 900 ग्राम पनीर, हम आपके साथ चलेंगे और बोल के नहीं जाएंगे। प्रोग्राम बनाइए। एक मामला पूरा कर दीजिए। हाँ, पूरा में स्कूल है जहाँ से पानी की जरूरत, बच्चों को पानी लाना पड़ा। देखिए, ऐसा है कि हमने इसका कार्यक्रम तय कर दिया है, सभी प्रखंड में 45 दिन के लिए पानी, बिजली, शौचालय, ब्लैक बोर्ड ठीक करने के लिए एक एक गाड़ी, पानी का मिस्त्री साथ में चल रहा है।
ये व्यवस्था हम कर चुके हैं और रिपोर्ट भी मांगा जा रहा है वो उस गाड़ी के माध्यम से कि कहाँ आपका बिजली नहीं। हमको लगता है कि पहली बार ऐसा कार्यक्रम ने हमने किया है कि एक सभी पर और आप लोग के सामने हम और माननीय मुख्यमंत्री जी उस गाड़ी को विदा किए थे। और जरूरत पड़ेगा 45 दिन के बाद तो और बढ़ाएंगे। चापाकल खराब है तो उसको बनाया जाएगा, शौचालय खराब है तो उसको बनाया जाएगा, ब्लैकबोर्ड खराब है, मैंने माइनर काम, और मेजर काम जो है रिपोर्टिंग करना है कि कहाँ बिजली नहीं है, कहाँ क्या सुविधा है। हम कलेक्शन कर रहे हैं, हर पहलू पर विचार कर रहे हैं, हर एक पहलू आप लोग भी, जैसे मैडम सुना है कि स्कूल में पानी का और उनकी देखो वन स्कूल में नहीं, और तुरंत वहाँ अधिकारियों को बोले कि पानी क्यों नहीं, और पूछे जवाब, और मैडम का नंबर लेके उसको बोल दिए कि हम बात किए। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।